लैम स्किन, काफ स्किन, गोट स्किन, फैलो स्किन या फिर फो लेदर, इनमें से कौन सी सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है? जैकेट्स सेम ब्रांड की हैं, देन कैसे पता लगाएं कि जो आप जैकेट के लिए पैसे दे रहे हो जैकेट उसकी वर्थ है या फिर नहीं? इन दोनों में से महंगी कौन सी और सस्ती कौन सी है और क्यों, उसका आंसर आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। बेसिकली जो लेदर होती है वो लेदर होती क्या है, लेदर मीन्स स्किन, किसी जानवर की स्किन, और जो हमारी स्किन होती है, ये रख लूँ पहले, रखी नहीं जा रही, जब उससे लेदर बनाई जाती है देन उसकी तीन लेयर्स होती हैं मेनली, फुल ग्रेन, टॉप ग्रेन और स्वेड। जो फुल ग्रेन होती है वो उस लेयर की सबसे ऊपर वाली परत होती है, उसमें क्या होता है कि जैसे जानवर के जो कोई शिकार करने के उसके जो बॉडी के ऊपर स्किन के ऊपर निशान पड़े हों या फिर किसी भी रीजन के कारण निशान पड़े हों, फुल ग्रेन जो हमारी लेदर होती है उसके ऊपर वो मार्क्स दिखते हैं और वो प्लेन नहीं होती, उसके ऊपर इस तरह से ग्रेन बनी होती हैं, फुल ग्रेन की अगर हम बात करें। लेकिन जैसे जैसे हम उसको फुल ग्रेन से नीचे आते जाएं, जो हमारी लेदर होती है उसके ऊपर जो ग्रेन्स दिख रहे होते हैं वो कम होने शुरू हो जाते हैं। जो फुल ग्रेन लेदर होती है वो थिक होती है और जो उनसे जैकेट्स बनती हैं वो भी यानी कि थिक ही होंगी और वो वेट में हैवी होंगी और वो पहनने के बाद एकदम से अपने आपकी बॉडी के हिसाब से शेप नहीं लेंगी, वो आप कुछ टाइम तक पहनोगे देन आपकी बॉडी के हिसाब से शेप लेंगी, कंफर्टेबल होंगी आपकी बॉडी के हिसाब से और वो थोड़ा स्टिफ होती हैं। फुल ग्रेन लेदर जैकेट्स काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, तो अगर आप एक्सपेंसिव जैकेट्स की तरफ जा रहे हो देन देखो कि वो फुल ग्रेन में है भी या नहीं। नेक्स्ट लेयर आती है टॉप ग्रेन। टॉप ग्रेन में ही जो हमारे मीडियम रेंज के ब्रांड्स होते हैं वो टॉप ग्रेन में ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि जो टॉप ग्रेन की जो हमारी जैकेट्स होती हैं वो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती और जैकेट के ऊपर ग्रेन्स भी होती हैं लेकिन वो बोले कि वो इतनी ज़्यादा विजिबल नहीं होती। टॉप ग्रेन जैकेट क्वालिटी एक आइडियल क्वालिटी मानी जाती है जिसे ज़्यादातर लोग अफोर्ड कर सकते हैं और टॉप ग्रेन जैकेट ज़्यादा स्टिफ नहीं होती, वो जनरली हर बॉडी टाइप के हिसाब से तरह तरह में बनाई जाती हैं, तो यानी कि आपको अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से आराम से मिल जाती है। और जो लेदर होती है उसकी जो तीसरी लेयर होती है वो होती है स्वेड लेदर, इसे जेन्युइन लेदर भी बोला जाता है। ये बहुत ही लाइट होती है और काफ़ी ज़्यादा बोले इतनी ज़्यादा हल्की फुल्की सी होती है, जैसे मर्जी पहन लो इसे, आई लाइक दिस। लेकिन इसमें स्वेड में भी तरह तरह की क्वालिटी आती है, लेकिन फिर भी जो स्वेड लेदर जैकेट्स होती हैं वो फुल ग्रेन की लेदर जैकेट्स और टॉप ग्रेन की जो लेदर जैकेट्स होती हैं उनसे सस्ती होती हैं। डिपेंड है कि आप अगेन कौन से ब्रांड से खरीद रहे हो, वो ब्रांड वैल्यू तो अलग बात हो जाती है। नेक्स्ट मटेरियल जो आता है वो आता है फॉ लेदर जैकेट, FAUX, ये एक फ्रेंच वर्ड है लेकिन इंग्लिश में भी इसे ऐसे FAUX तरह ही लिखा जाता है, इसमें एक्स साइलेंट होता है, इसे फॉ बोला जाता है। फॉ का मतलब फ्रेंच में होता है कि डुप्लीकेट होना, रियल ना होना, और जो ये जैकेट होती हैं ये रियल लेदर और जेन्युइन लेदर नहीं होती, इसीलिए इस मटेरियल को फॉ लेदर कहा जाता है। ये एक प्लास्टिक की तरह होती हैं कि दूर से तो दिख रही होती है कि तुमने कुछ लेदर का पहना है, लेकिन वो पहनने में बहुत ज़्यादा हल्की होती है, जैसे तुमने एक वो कह दो कि प्लास्टिक का लिफाफा पहना होता है, मोटा वाला लिफाफा पहन लो, प्लास्टिक की बोरी पहननी होती है। लेकिन फो लेदर जैकेट्स बहुत सस्ती होती हैं, कोई ऐसा ब्रांड है जो सिर्फ ब्रांड वैल्यू के कारण आपको 8,000 रुपया ले रहा है और फो लेदर यूज़ कर रहा है अपनी जैकेट में, समझ लो कि वो आपको लूट रहा है। वहीं अगर कोई ऐसा ब्रांड है जो टॉप ग्रेन या फुल ग्रेन यूज़ कर रहा है जैकेट में और उसका प्राइस भी 7,000-8,000 है, देन वो एक जेन्युइन प्राइस है। अब आपको फ़र्क कैसे पता चलेगा लेदर में और फॉ लेदर में? जो मेजर डिफरेंस आपको पता चलेगा वो है फील करके, जब आप दोनों लेदर्स को फील करोगे आपको क्लियर पता चलेगा कि कौन सी जेन्युइन है और कौन सी नकली है। दूसरा डिफरेंस है उनके वेट से, अगर जो जेन्युइन लेदर होगी वो वेट में ज़्यादा होगी, जो फॉ लेदर होती है वो वेट में बहुत ज़्यादा हल्की होती है। तीसरा पता चलेगा स्टिफनेस से, जो लेदर होती है वो स्टिफ होती है लेकिन जो फॉ लेदर होती है वो प्लास्टिक की तरह होती है। और अगली चीज सूंघ के, कभी आप अगर जेन्युइन लेदर के स्टोर गए हो, स्टोर के अंदर एंटर करते ही आपको एक अलग तरह की खुशबू आती है, ऐसे ही तुम्हारे जैकेट्स में भी डिफरेंस आएगा। जो हमारी फॉ लेदर होती है उसमें कोई भी स्मेल नहीं आ रही होती, लेकिन लेदर की अपनी एक अलग ही स्मेल होती है। नेक्स्ट डिफरेंस जो आपको पता चलेगा कि जो जेन्युइन लेदर्स होती हैं उनके ऊपर कुछ इस तरह से ग्रेन्स बनी होती हैं, चाहे वो डीप हो या उससे कम हो, लेकिन जो फॉ लेदर होती हैं उसमें कोई भी ग्रेन्स नहीं होती, वो बिल्कुल प्लेन होती हैं।
हालांकि आजकल कुछ मशीन्स आ गई हैं जो फोर लेदर के ऊपर भी ग्रेन्स डाल देती हैं, लेकिन फिर भी वो रियल की तरह नहीं दिखती। ये हो गया मटेरियल के थ्रू आपको कैसे पहचानना है। अगली चीज़ आपको देखनी है कि जैकेट के अंदर क्या लगा हुआ है, कि जो आप पैसे दे रहे हो वो वर्थ में है भी या नहीं। अगर तो आप एक जेन्युइन लेदर जेन्युइन प्राइस के हिसाब से खरीद रहे हो, देन जो ब्रांड है या बनाने वाला है उसने उसके अंदर की भी केयर उतनी अच्छी तरह से ही की होगी। कुछ मोटे फैब्रिक लगाए होंगे, प्लास्टिक नहीं लगाया होगा जो ब्रीदेबल नहीं होगा। अब यहाँ पर देखें, ये एक है मेरी ज़ारा की जैकेट, इसके अंदर देखें कितना मोटा फैब्रिक लगा हुआ है, क्लियर पता, दूर से ही पता चल रहा है कि हाँ यार अंदर कोई चीज़ लगी हुई है। लाइक जब मैं इसे पहनता हूँ ना तो ऐसे मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैंने कंबल ओढ़ा हुआ है। एंड वही दूसरी तरफ ये भी है ज़ारा की जैकेट, लेकिन इसके अंदर आप कपड़ा देखें क्या लगा हुआ है, एक प्लास्टिक जैसा कपड़ा लगा हुआ है जो कि ब्रीदेबल नहीं है। अब आपको क्लियर पता चलेगा कि इनमें से कौन सी जैकेट ज़्यादा महंगी होगी। ऑब्वियस है कि ये नियर अबाउट 8000 की है, ये 2000 की है। हमेशा एक अच्छी जैकेट खरीदते वक्त उसके अंदर क्या लगा हुआ है उसको भी इम्पोर्टेंस दो। इंस्टाग्राम की तरह बाहर वाले फिल्टर से मत जाओ, अंदर से भी देखो नेचर कैसी है ना। बाकी एक अच्छी जैकेट खरीदने के लिए दिल भी बड़ा होना चाहिए, क्योंकि पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं एक अच्छी जेन्युइन अच्छी क्वालिटी की जैकेट लेने के लिए। और अगर मैं यही इस स्वेड जैकेट की बात करूं, ये भी ज़ारा की ही है, स्वेड के अंदर कोई कपड़ा वगैरह नहीं लगा होता, स्वेड इज़ कम्प्लीटली स्वेड, लेकिन ये है नियर अबाउट 3500 के आसपास थी। लेकिन मुझे अगर मैं बोलूं कि मेरी फेवरेट कौन सी है, ऑब्वियस है कि ये तो मेरी फेवरेट है ही, लेकिन इसे ऑब्वियस है कि हम कभी कभी पहन सकते हैं जब बहुत ज़्यादा ठंड हो, और ये तो मैं कभी भी पहन लेता हूँ। नेक्स्ट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो है थ्रेड्स, और जो जिप लगी होती है वो किस क्वालिटी की लगी है, एंड देन अगर उसके ऊपर बटन्स वगैरह लगे हैं वो किस क्वालिटी के लगे हैं। अब इनका कोई फिक्स रूल नहीं है कि इनको आइडेंटिफाई कैसे करना है। जब आप तरह तरह की जैकेट्स देखोगे, देन आपको देखने से, टच करने से, फील करने से, जिप को ऊपर नीचे करने से, बटन्स को या फिर धागों को अच्छी तरह देखने से पता चल जाएगा कि जो एक महंगी जैकेट है उसको अगर आप ज़्यादा पैसे दे रहे हो तो उसके ऊपर अच्छी तरह से काम किया भी हुआ है या नहीं। ये ना हो कि सस्ती वाली जैकेट के ऊपर ज़्यादा अच्छी तरह से काम किया गया हो। जैकेट जैसे कि यहाँ पे देखिए, अगेन मेरी ये दोनों जैकेट, इनमें से क्लियर कैमरे में ही आपको पता चल रहा होगा कि कौन सी के ऊपर ज़्यादा अच्छी तरह काम किया गया, कौन सा एक अच्छी क्वालिटी का और कौन सा नहीं है, देखने से ही पता चल रहा है, तो टच करने से तो और अच्छी तरह पता चल जाता है। अब बात करते हैं फिटिंग की। आपने आसपास जरूर कई बार नोटिस किया होगा या किसी को देखा होगा, कई लोगों की जैकेट ना पेट के आगे से ऐसे एक पहाड़ सा बना रही होती है, छोटा सा, ऐसे लगता है जैसे कि वो नन्ना मुन्ना लेके घूम रहे हैं अपने पेट के अंदर। वो क्यों क्यों होता है वो, ऐसे इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न क्या होता है कि जो लो क्वालिटी की जैकेट्स होती हैं उन्हें एक स्टैंडर्ड साइज़ बनाया जाता है कि बल्क में बना दी तभी तो वो सस्ती पड़ेंगी, ऊपर से मटेरियल भी सस्ता लगा दिया। इसीलिए ज़्यादातर हमारे यहाँ पे पेट से थोड़ा अपना खुले दिल के होते हैं पेट से तो उस हिसाब से, उस अनुमान के हिसाब से यहाँ से थोड़ी वो चौड़ी बनाई जाती हैं, इसी ताकि वो हर बॉडी टाइप के ऊपर फिट बैठ सके। तो आपने जैकेट पहनी और वो आगे से बिल्कुल पहाड़ बना रही है, ऐसे लग रहा है कि आप नन्ना मुन्ना लेके घूम रहे हो, देन समझ लो कि वो लो क्वालिटी का है। वही अगर आप एक अच्छी जेन्युइन क्वालिटी की लेदर जैकेट खरीद ले हो, वो आपकी बॉडी टाइप के हिसाब से आपको मिल जाएगी, क्योंकि उनमें तरह तरह के एक परफेक्ट रिसर्च के हिसाब से उनको बनाया जाता है। ऐसे ही अगर हम उसकी लेंथ की बात करें, जो हमारी लेदर जैकेट होती है उसकी लेंथ कहाँ तक होनी चाहिए, वेल जो हमारी पैंट का बटन होता है और उसके थोड़ी सी आप बोलो कि दो उंगली नीचे, अगर आपकी लेदर जैकेट जो हमारा क्रॉच एरिया होता है उसके सेंटर तक आ रही है तो आपने बहुत लंबी लेदर जैकेट पहनी है। जहाँ पे हम बेल्ट बांधते हैं उससे एक या दो उंगली नीचे ही जो आपकी लेदर जैकेट है उसकी लेंथ होनी चाहिए। बाकी जो आपके शोल्डर से लेदर जैकेट की जो फिटिंग होनी चाहिए वो पहनते वक्त ही जब आप लेने जाओ लो तभी ही देख लो उठा के, कि जब आप बाजू ऐसे उठाओ तो ये ना हो कि जैकेट भी पूरा पूरी तरह ही ऊपर आ जाए। हल्की सी तो ऊपर आती आती है क्योंकि उसकी लेंथ शॉर्ट होती है, लेकिन ये पूरी तरह भी ऊपर नहीं आनी चाहिए। अच्छी तरह पहन के उसको देखो, आप कंफर्टेबल होने चाहिए शोल्डर से, क्योंकि उनकी दोबारा फिटिंग
नहीं होती, जो ले ली वो ले ले। बोनस टिप क्या है कि जो जेन्युइन और अच्छी हाई क्वालिटी की लेदर जैकेट्स होती हैं उनकी केयर भी उतनी ही ज़्यादा करनी पड़ती है। जब गर्मियाँ आती है आप उन्हें संभाल के बेड के नीचे नहीं रख सकते, वरना वो ख़राब हो जाती हैं। उन्हें के लिए उनको हैंगर में ही टांग के रखना पड़ता है। जब आप बाहर से पहन के आए हो उनको ऐसे उतार के नहीं फेंक सकते, उनके ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आपको उन्हें संभाल के ही रखना पड़ता है। और अगर बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी की लेदर है और आपने वो खरीदी है ना, अगर आप उसकी ऑयलिंग करोगे एंड देन उसको बाहर धूप में सुखाओगे, उसके ऊपर क्या होगा, उसके कलर चेंज हो जाएगा, ये इफेक्ट करता है। लेकिन इतनी हाई क्वालिटी की लेदर जैकेट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आती है। वही जो लो क्वालिटी की यानी कि फॉल लेदर की जैकेट्स होती हैं, इन्हें आप जैसे मर्जी रख दो, कोई चक्कर नहीं है, बेड बुड के जैसे मर्जी बांट दो, ये होता है कपड़ा ही है, बस एक प्लास्टिक की तरह होता है, कोई इतना टेंशन वाली बात नहीं है। तो यदि वीडियो पसंद आई लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया लेके। अगर आप ये देखना चाहते हो कि कॉलेज से पैसे कैसे कमाएं, देन लेफ्ट वीडियो के ऊपर क्लिक करें, और अगर आप हैंडसम बनना चाहते हो तो राइट वीडियो के ऊपर क्लिक करें।